भाई साहब जो वीडियो का टाइटल है ना इतना खतरनाक है, मैं तो जीरो भी काउंट नहीं कर पा रहा। 35 के आगे कितनी जीरो लगी हैं। इतने रुपीस का एप्पल ऑफिस अंदर से कैसा दिखता है? इनसाइड 5 बिलियन एप्पल हेडक्वार्टर्स। ओ भाई से जो एप्पल का जो मेन ऑफिस है ना, जो बिल्डिंग है भाई, कैसी दिखती है, कितना पैसा लगा उसमें बनाने में। तो बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से, गौरव भाई के चैनल से, और अमेजिंग, बहुत फनी तरीके से, बहुत स्वीट तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं, तो मजा आएगा पूरी वीडियो में, एंड आई एम श्योर। तो भाई ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप अमेजिंग और वीडियो चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, फिर उन पे आप रिएक्शन चाहते हो तो जरूर बताने किस पे। तो रेडी सेट एंड भाई सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और ये देख रहे हो, ये ना कोई एलियन स्पेसशिप है और ना ये किसी साइंस एनिमेशन एप्पल है। ये है स्टीव जॉब्स और एप्पल का वो प्रोडक्ट जिसे खरीदा नहीं जा सकता। पर हैरानी की बात तो ये है कि एप्पल के इस हेडक्वार्टर को बनाने में लगने वाले थे सिर्फ 50 करोड़, पर बदते बदते लग गए 500 करोड़। ऑब्वियसली मैं यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर 37,120 करोड़ इंडियन रुपीस। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से इतनी बड़ी भूल, हाउ अनकूल राइट? पर पता है कूल क्या है? अरे यही कि एप्पल का ये हेडक्वार्टर कैंपस 40 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा है, जिसे आप एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कह सकते हो, क्योंकि जीने के लिए जरूरी हर चीज, जैसे कि खाने के लिए कैफेटेरियाज, हेल्दी रहने के लिए वेलनेस सेंटर्स और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यहाँ पर सारी तैयारियां की हुई सब है। कुछ क्या है, सिटी बना दी। तो ये है कि हेडक्वार्टर जमीन पर नहीं खड़ा है और इसीलिए भारी से भारी अर्थक्वेक्स आने पर भी ये गिरने वाला नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हेडक्वार्टर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है और साल के 12 में से 9 महीने इसे ना एसी लगती है ना ही कोई हीटर। पर आखिर कैसे? सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स के इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ कर निकालेंगे इन टुडेस वेरियो टाइटल्ड इनसाइड द 5 बिलियन एप्पल हेडक्वार्टर्स। Hewlett Packard has been shrinking lately. They decided to sell that property and we bought it. And we come up with a design that puts 12,000 people in one building. ये था स्टीव जॉब्स का सपना, जिसे उन्होंने सिटी काउंसिल के सामने 2011 में पेश किया था। लेकिन इस सपने की शुरुआत 2004 में ही हो गई थी, जब जॉब्स अपने कंपनी और अपने एम्प्लॉइज को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते थे जिसमें कंपनी की बिल्डिंग और नेचर के बीच की लाइन वो मिटा सके। यही नहीं, अपने एप्पल प्रोडक्ट्स की तरह वो एक ऐसा कैंपस बनाना चाहते थे जो ना सिर्फ आज की कंपनीज को पर कई सालों तक आने वाली कंपनीज को इंस्पायर कर सके। और जॉब्स ने ये करके भी दिखाया अपनी जिंदगी के आखिर के कुछ सालों में। उन्होंने एप्पल के इस नए कैंपस का सपना बुना और उसकी नींव भी रखी, पर अफसोस वो अपने सपने को पूरा होने के बाद देख नहीं पाए और अक्टूबर 5, 2011 में एप्पल को टिम कुक के हवाले करके चले गए। पर हैरानी की बात तो यह है कि सपने की शुरुआत में इस कैंपस को खड़ा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ US डॉलर का एस्टिमेशन लगाया था, पर 8 सालों बाद जब ये कैंपस बनकर खड़ा हुआ तो ये 5 बिलियन डॉलर्स यानी 500 करोड़ डॉलर्स में तैयार हो रखी थी। लेकिन फिगर नॉट, ये अमाउंट 2018 में ही एप्पल के कैश रिजर्व का सिर्फ 2% था और आज तो शायद ये अमाउंट इतनी में भी नहीं आएगा, जब एप्पल 2.08 ट्रिलियन की वैल्यू के साथ यानी कि 1.5 करोड़ के साथ दुनिया के सारे बिलियनर्स को पीछे छोड़ चुका है। इसके अलावा अगर हम कैंपस की बात करें, सबसे पहले एप्पल ने कैंपस की नई जगह तो खरीदी, और हालांकि प्राइसेस को कम रखने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को पता नहीं चलने देने के लिए एप्पल ने ये जगह बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए खरीदी, पर फिर भी एप्पल को ये जगह हासिल करने के लिए 160 मिलियन डॉलर्स यानी कि 1190 करोड़ का फटका लगा। जिसके बाद 175 एकर्स में फैला हुआ ये एप्पल कैंपस लैंड एप्पल ने 2008 के पहले खरीद लिया था, लेकिन इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की परमिशन उन्हें 2013 में मिली। और इस प्रोजेक्ट का सारा कारोबार एप्पल के नॉर्मन फॉस्टर, द वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट के कंधों पर सौंप दिया। अच्छा। जिन्होंने, अगर आपको नहीं पता, तो ऐसे ऐसे और ऐसे कई अनइमेजिनेबल आर्किटेक्चरल तोहफे दुनिया को दिए, और नॉर्मन ने इस बार भी दुनिया को अपने आर्किटेक्चर से बहुत ही ज्यादा तेज। 2017 में जब एप्पल की ओपनिंग हुई तो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ एप्पल पार्क के ही चर्चे चल रहे थे। एप्पल पार्क के इस बिल्डिंग को, जिसे रिंग और स्पेसशिप जैसे निकनेम भी लोग देते हैं, उस 4 माले की सर्कुलर बिल्डिंग में 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है, जिसके अंदर एक साथ 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं। ये बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैनल्स ऑफ कर्व्ड ग्लासेस से बनी है, जिसमें 3,000 ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं। और पता है, इस पूरे रिंग के दोनों साइड यानी अंदर और बाहर दोनों
आउटसाइड गैलरी की तरह जगह छोड़ी गई है ताकि एम्प्लॉइज आराम से वहां पर वॉक करते करते कैंपस के अंदर और बाहर दोनों जगह का व्यू एंजॉय कर सके। पर एप्पल पार्क सिर्फ इस एक बिल्डिंग के लिए फेमस नहीं है। एप्पल के इस कैंपस में इस स्पेसशिप बिल्डिंग के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दो बड़ी बड़ी 3 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग्स हैं, जिसमें 2000 एम्प्लॉइज एक साथ काम करते हैं। इसके साथ ही एप्पल के एम्प्लॉइज के फिटनेस का पूरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर 1 लाख स्क्वायर फुट का वेलनेस सेंटर है, जहाँ योगा से लेकर लेटेस्ट फिटनेस मशीन मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर एक विजिटिंग बिल्डिंग भी है, साथ में अंडरग्राउंड पार्किंग और एक ऑडिटोरियम है, जिसके बारे में मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। पर कुछ और शुरू करने से पहले, क्या आपको याद है इंट्रो की वो बात जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एप्पल पार्क की एक गोलमोल बिल्डिंग जमीन पर खड़ी नहीं है? याद आया। तो अब सवाल ये है कि अगर ये बिल्डिंग धरती पर नहीं खड़ी है तो क्या 12,000 एम्प्लॉइज के और अपने हजारों लाखों टन के साथ ये हवा में लेविटेट कर रही है? वेल, अभी तक ये टेक्नोलॉजी एप्पल के हाथ नहीं लगी है, बट ये बिल्डिंग बनाई गई है बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी से। यानी कि ये बिल्डिंग 692 स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स पर खड़ी है, जो कुछ इस तरह से काम करते हैं। जहां बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इन स्टेनलेस प्लेट्स पर सीधा खड़ा रहता है और अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर के टाइम पर यही बिल्डिंग 4 फीट तक बिना किसी नुकसान के हर डायरेक्शन में मूव कर पाती है। यही नहीं, ये टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि 8+ तक के मैग्नीट्यूड के झटकों को भी आसानी से झेल सकती है। और एप्पल के इस $5 बिलियन के प्रोजेक्ट को सही सलामत रखने के लिए स्टीव जॉब्स ने खुद इसे चुना था, जो कैलिफोर्निया के भूकंपों से अपने वर्क प्लेस को बचाना चाहते थे। और साथ साथ स्टीव जॉब्स जापान की इस टेक्नोलॉजी से काफी प्रेरित भी थे। जापान में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्पल पार्क के इस मेन बिल्डिंग में ही नहीं, पर एप्पल के ऑडिटोरियम, जिसे स्टीव जॉब्स थिएटर भी कहा करते थे, उसमें भी लगाई गई है, जिसके चर्चे सुनकर बाय द वे आप हक्के बक्के रह जाओगे, क्योंकि बिना पिलर के हवा में खड़ी दिखने वाली इस 155 फुट मेटालिक कार्बन फाइबर की छत वाली बिल्डिंग में एक साथ 1,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, और फिर भी ये जगह पूरी की पूरी खाली रहेगी। वेल, नहीं, एप्पल के पास कोई जादू नहीं है, पर ये कमाल कुछ ऐसा है ना कि ग्लास की बनी ये लॉबी असल में सिर्फ ऊपर का हिस्सा है और बाकी सब कुछ नीचे सेट है, जिस तक जाने के लिए आपको या तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप स्पिनिंग एलिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये दोनों ही आपको नीचे की लॉबी में ले जाएंगे, जहाँ से आगे जाकर आप स्टीव जॉब्स थिएटर के एंट्रेंस पर पहुंच जाओगे, जिसके अंदर 1,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। पर दिल थाम कर बैठिएगा इन कुर्सियों पर, क्योंकि यहाँ की एक एक लेदर चेयर $14,000 यानी कि 10 लाख से ज्यादा महंगी है। पर सिर्फ यही एक एक्सपेंसिव चीज नहीं है, एप्पल पार्क की हर चीज को बहुत ही सोच समझकर एप्पल के लिए कस्टमाइज किया गया है। और फिर वो चाहे कर्व्ड ग्लास हो, यहाँ के डोर हैंडल्स हो, या फिर पिज्जा रखने के लिए पिज्जा बॉक्सेस हो। यस, सही सुना आपने, एप्पल के पास खुद का अपना पिज्जा बॉक्स है। पर क्या आपको पता है एप्पल पार्क की सबसे बड़ी खासियत क्या है? Well, इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा है। दैट्स राइट, इट्स द पार्क ऑफ एप्पल पार्क। मतलब दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वर्कप्लेस फैसिलिटीज होने के साथ इस पूरे कैंपस का 80% हिस्सा बस हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ कुल मिला के 9,000 पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें एप्रिकॉट्स, ऑलिव, चेरी, प्लम एंड ऑफ कोर्स एप्पल जैसे और भी कई पेड़ शामिल हैं, जिन्हें एप्पल रिसाइकल वाटर की मदद से पानी पहुंचाता है। और एप्पल के कैंपस में इतने पेड़ लगने के पीछे का रीजन ये था कि एप्पल सिर्फ अपने एम्प्लॉइज से काम ही नहीं कराना चाहता था, पर साथ ही एप्पल उनके और सोसाइटी के लिए एक नेचर फ्रेंडली एटमोस्फियर रखने का एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, ताकि लोग नेचर की वैल्यू समझ सके। अब फ्रेंड्स, वैसे तो मैं इस एप्पल पार्क की तारीफ कर करके थक जाऊंगा, बट सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगता है वो है कि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता है। एप्पल के स्पेसशिप रिंग के ऊपर लगे हुए हैं 17 मेगावाट वाले सोलर पैनल्स, जिनसे इस पूरे कैंपस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, सिर्फ ये बिल्डिंग्स ही नहीं, एप्पल अपने प्रोडक्शन और स्टोर्स को भी 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर बढ़ रहा है। और एप्पल के 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस और यूज करने के प्रण को एक और एक चीज बहुत मदद करती है, और वो है एप्पल के बिल्डिंग्स का नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम। यानी एप्पल की इस बिल्डिंग के बाहर निकली हुई इस छोटी सी छत में एक ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम है, जिससे अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर आती जाती रहती है। इसके अलावा बिल्डिंग में ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो बिल्डिंग के टेम्परेचर को ठंडी और गर्मी के हिसाब से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक में ही रखते हैं। यानी ठंड हो या गर्मी, टेम्परेचर तो अपने आप ऑप्टिमम तरीके से सेट हो ही जाएगा। और यहाँ पर 43,000 खाली कॉन्क्रीट स्लैब्स भी लगे हुए हैं, जिससे बिल्डिंग को ऐसे करने में मदद मिलती है।
आती है और जिससे यहाँ पर साल के 9 महीने ना एसी की जरूरत लगती है और ना ही किसी हीटर की। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये बिल्डिंग अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज की तरह सांस लेती है। पर अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सबसे बढ़िया दिखाऊंगा, ये देखो है ना कमाल, ये एप्पल कैंपस के रिंग का कैफेटेरिया है। और पता है ये कैफेटेरिया इतना बड़ा है कि यहाँ एक बार में एक साथ 4,000 एम्प्लॉयज फूड एंजॉय कर सकते हैं, वो भी इन ग्लास के बिना नेचर के मजे लेते लेते। पर एम्प्लॉयज को मजे लेने के लिए यहाँ पर और भी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर 3.2 किलोमीटर का वॉकिंग और रनिंग पैथ है। और अगर एम्प्लॉयज वॉक और रन नहीं करना चाहते तो वो यहाँ पर अवेलेबल 1,000 बाइसिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पता है यहाँ की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ कुछ इस तरह के अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेसेस बने हुए हैं जिनमें 14,200 गाड़ियां पार्क की जा सकती है। लेकिन वेट सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, ये एम्प्लॉयज का हाल और चाल रखने के लिए 2 माले वाला योगा सेंटर और साथ ही 1,00,000 स्क्वायर फीट का फिटनेस सेंटर भी। इसके अलावा इस कैंपस की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए इस कैंपस के बीचों बीच ये इंद्रधनुष जैसा दिखने वाला स्टेज है जिसकी जरूरत एप्पल को कॉन्फ्रेंसेस और स्टेज इवेंट्स करने के लिए लगती है। और फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको नजर आएगा किस इंद्रधनुष में कलर्स को बिल्कुल उसी तरह यूज किया गया है जिस तरीके से एप्पल के पुराने लोगों में था, पुराने लोगों में था। बट एनीवे अब मैं आपका परिचय कराता हूं उस बिल्डिंग से जो इस कैंपस की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आप बिना किसी पास के एंट्री ले सकते हो। जी हाँ, ये है एप्पल का विजिटिंग सेंटर। यहाँ एंटर करते ही आपको एप्पल के पूरे कैंपस का एक ऑगमेंटेड रियलिटी वर्जन देखने को मिलेगा जिसे आप आसानी से अपने आईपैड पर देख सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको 10,000 स्क्वायर फीट का वो भी मिलेगा जहाँ से आप एप्पल के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और मर्चेंडाइजेस को देख सकते हो और परचेस भी कर सकते हो। पर अगर ऐसा करते करते आपको भूख लग जाती है तो वरी नॉट, यहाँ आपके लिए एक कैफेटेरिया भी मौजूद है और यहाँ पर 1916 में बना हुआ एक बांध भी है। और हालांकि एप्पल इसे हटाना चाहता था पर इसके हिस्टोरिकल साइट डिक्लेयर होने के बाद एप्पल इसे मेंटेनेंस टूल्स और बाकी लैंडस्केपिंग मटेरियल रखने के लिए यूज करता है। मतलब अब समझ लो जैसे मैंने कहा था ये कैंपस एक वर्क प्लेस ही नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा काम करना चाहोगे जो ना सिर्फ आपके फूड का बट आपके फिटनेस का भी ध्यान रखता है, आपके माइंड को वर्क प्लेस के स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में भी नेचर के डोज से फ्रेश करना चाहता है और आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का भी डोज दे रहा है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो से कुछ भी नया जानने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। सीरियसली मैंने मैं हमेशा देखता हूँ वीडियो जो फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस जो समझाने का स्टाइल है ना हाँ, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ऐसे जैसे एक खान सर की वीडियो देखते हैं ना नॉलेज के लिए पढ़ने की, वैसे ही वाली क्योंकि गेट्स इट फ्लाई फैक्ट की कहीं पर भी बोरियत नहीं आती। सही बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें जैसे टेक्नोलॉजी ऐसा हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन इसकी वीडियो में देखा है कि हाँ मतलब शुरू से एंड तक पूरा मतलब इंटरेस्टिंग रहता है और एक चीज रहता नहीं वो इंटरेस्ट बना के रखता है और ऐसा मन करता है और क्या नया आने वाला और क्या नया आने वाला एक्सप्लेन इस तरह से करता है वो एक वो हैपनिंग सी जो वो है ना नरेशन स्टाइल है वो चीज ऑडियंस को बहुत जोड़ के रखती है और मजा आ गया वीडियो देख के। सीरियसली ये जो एप्पल पार्क है ना एप्पल हेडक्वार्टर माइंड ब्लोइंग अलग ही दुनिया है, चाहे वो ऑडिटोरियम कह लो चाहे वो पार्किंग स्पेस कह लो चाहे वो एक पूरा गार्डन कह लो यार हर मतलब कि 80% तो वो पूरा गार्डन एरिया है। मतलब आप बताओ अगर आपको ऐसी जगह रहने मिल जाए तो आप क्या करोगे? अब ये मत कहना भाई हम तो एप्पल के प्रोडक्ट यूज करेंगे वहां पर तो वो तो मिलेंगे यूज करेंगे लेकिन आपको ये सिटी वाला एक चीज देखो ना आप शाम को निकले आप पार्क में एंजॉय कर सकते हो, आप जिम भी जा सकते हो, कैफेटेरिया भी आपके पास, 80% वहां पे ग्रीनरी है, सब कुछ है वहां पर यार। मतलब टेक्नोलॉजी से लेकर नेचर से लेकर हर एक चीज और कितने और उधर 10 गुना जो बजट गया वो बिल्कुल जायज गया क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया अपने एम्प्लॉय को। और ये भाई ने स्टार्टिंग में कहा था ना कि आने वाली कंपनीज के लिए इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि जब आप अपनी कंपनी बनाओ चाहे बड़ी बनाओ चाहे छोटी बनाओ थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसा हो आपका वर्क प्लेस एक हैपनिंग प्लेस हो, एम्प्लॉय फ्रेंडली हो, स्ट्रेस फ्री रहे उसमें। और ये कल्चर इंडिया में भी आना चाहिए कि अगर वर्किंग आवर 8 घंटे तो 8 घंटे आदमी को 8 का 9 घंटे ना हो और प्लस 8 घंटे में भी थोड़ा रिलैक्स वाला माहौल। अमेरिका जैसे देश बड़े बड़े देशों में ये चीज है वर्कलोड प्रेशर बहुत वो बहुत तरीके से हैंडल किया जाता है, थोड़ा सा भी वर्कलोड ज्यादा दिखता है ना तो उसकी काउंसलिंग करते हैं बल्कि इंसान की ना कि वर्कलोड और बढ़ाने की, ये नहीं सोचते वहां पर इसको जॉब से निकालना है, नहीं बहुत तरीके से चलते हैं वहां पर लोग। और छुट्टी का मतलब छुट्टी ही होता है
इंडिया की तरह नहीं छुट्टी है लेकिन फोन कर दिया आज ये 500 रुपए दे देंगे लेकिन तेरे आना है, वो कहते 500 नहीं चाहिए फिर भी आना है, आना है तुझे 500 तो मिलेंगे लेकिन तेरे को नहीं चाहिए ना मत ले लेकिन आना तो पड़ेगा, ये चीज है। और बहुत ही गजब वीडियो थी आउट से, एंड एप्पल फैन जो है वो तो वैसे ही रूबरू है इस चीज से बहुत सारे लोग, एप्पल पार्क ओपी, तो एक बार एप्पल के इस चीज के लिए ना एप्पल ओपी लिख देना यार, एप्पल लाजवाब कमेंट करना कुछ भी लिखना एप्पल की तारीफ, इस चीज के लिए मैं कहूँगा यार। मैं मतलब मोबाइल्स में नॉर्मली मैं एंड्रॉयड प्रेफर करता हूँ, ये एप्पल यूज कर रही है आईफोन वाली हो चुकी है, लेकिन ये चीज जो है ना ये जो बुद्धि बहुत तेज लगाई है इस चीज के अंदर, स्टीव जॉब की जो प्लानिंग थी बहुत ही बढ़िया थी, नेचर से क्लोज रखना। तो भाई वीडियो कैसे लगी आप लोग को बताना जरूर, मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।